नेक्स्ट जो सर्विसेस हैं जिसके हवाले से हम तस्करा करने जा रहे हैं, दोस आर बेसिकली कॉल्ड पॉलिटिकल सर्विसेज ऑफ सैयद अहमद खान साहेब, आपकी सियासी खिदमत। नो डाउट सैयद अहमद खान साहब ने जो जहां बाकी खिदमत सर अंजाम दी वहां पर आपकी सियासी खिदमत से किसी भी शख्स को इनकार मुमकिन नहीं है। आप पॉलिटिकल सर्विसेज के हवाले से एक मतलब जो है वो शोहरा अपार जो आपको मतलब एक बहुत ज्यादा आपको शोहरा हासिल हुआ, आपको माना जाता है कि आप पॉलिटिकल सर्विसेज के एतबार से एक शानदार फिगर रहे हैं जो आपने उस दौर में सियासी खिदमत सर अंजाम दी। आपको ये भी क्रेडिट दिया जाता है कि आप वो पहले शख्स थे जिन्होंने दो कौमी नजरिया जो है वो पहली मर्तबा प्रोपोगेट किया, फर्स्ट टाइम। और किस तरह से आपने जहां पर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के हकूक को डिफेंड किया, किस तरह से आप ये बात कहने में हक बजानक थे कि यहां पर सिर्फ एक कौम नहीं बल्कि मुसलमान जो है वो एक सेपरेट एंटिटी रखते। आपने उस वक्त बड़े सगीर के अंदर जो लुटे पिटे मुसलमान थे, जो अपनी बदतरीन हालत को पहुंचे हुए थे, जिनके ऊपर अंग्रेज सरकार बिल्कुल एतबार करने को तैयार ही नहीं थी, आपने उन मुसलमानों को जो है वो पॉलिटिकली भी अपलिफ्ट किया, एजुकेशनली भी आपने मोटिवेट किया, और आपने एक तरह से हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश की अमंग द मुस्लिम्स एंड ब्रिटिशर्स जो इन्वेडर्स थे, जो कॉलोनियलिस्ट थे उनके दरमियान। तो फिर ये क्रेडिट वाकई में मतलब एक बहुत बड़ा क्रेडिट है जो आपको दिया जाता है या जा सकता है। अगर आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंद्र कुमार गुजराल की स्टेटमेंट की आप बात करें जो मैं आपके सामने शेयर करने लगा हूं, तो इंद्र कुमार गुजराल ने सर सैयद के हवाले से क्या कहा था, सर सैयद विजन एंड हिज लेबोरियस एफर्ट्स टू मीट द डिमांड्स ऑफ चैलेंजिंग टाइम आर हाईली कमेंडेबल। ये इंद्र कुमार गुजराल जो है ये मोस्ट रिसेंट ऑलमोस्ट आज से 25-30 साल पहले हिंदुस्तान का ये मतलब जो है वो वजीर आजम रहा, और इसने एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट दिया जो है वो सैयद अहमद खान साहब को। और इंद्र कुमार गुजराल अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक ही वॉज द 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंद्र कुमार गुजराल ने यह कहा कि द डार्क पोस्ट 1857 एरा
was indeed hopeless. ये एक मतलब जो था वो hopeless इरा था. And only men like राजा मोहन राय, राम मोहन राय, ब्रह्मो समाज, and Sir Syed could penetrate through its thick veil to visualize the nation's destinies. कि कौम के जो फ्यूचर था, जो उनकी किस्मत थी, वो उसको विजुअलाइज कर सकते थे. और एजुकेशन और रिफॉर्मेशन के जरिए कौम को मतलब जो थे वो मोटिवेट कर सकते. सो एग्जैक्टली यही हुआ. आप में ये एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हिंदुस्तान की. दे राइटली बिलीव्ड दैट द पास्ट हैड इट्स मेरिट्स एंड इट्स लेगेसीज वर वैल्यूएबल but it was the future that a society was called upon to do with. I offer my homage to Sir Syed for his vision and courage that withstood all obstructions both from the friends and foes. ki aapko shadeed teen obstructions ka samna karna pada lekin aapne un obstructions ki koi parwah nahi ki. आप उन ऑब्स्ट्रक्शन के मतलब जो है वो उनके लिए वो कोई मैटर नहीं रखती. और ये फिर मतलब जो है वो सैयद अहमद खान साहब को ये क्रेडिट मौजूद है कि किस तरह से आपको जो है वो माना जाता है कि आप हकीकी मायनों में मतलब जो है वो एक ट्रू रिफॉर्मिस्ट थे इसी सब कॉन्टिनेंट के. जहां आपके एतबार से आपने जहां बहुत सी सर्विसेज हैं वहां सबसे पहली सर्विस ये मानी जाती है कि आपका जो दो कौमी नजरिया था वो आप लोगों ने सॉरी आपने पेश किया. किस तरह से आप दो कौमी नजरिए के मतलब जो है वो यहां पर फाउंडर माने जाते हैं. गो के ये बात आप पहले हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बहुत बड़े मतलब प्रोपोगेटर थे और आप हिंदू और मुसलमानों को एक कौम मानते रहे कि ये एक ही कौम है. लेकिन पहली मर्तबा इसके ऊपर मतलब जो है वो आपका नजरिया तब चेंज होता है जब 1867 में बनारस के मौके पर बनारस जो एक बहुत बड़ा हिंदू सूबा था उस हिंदू सूबे में वहां पर यह फैसला किया गया कि हमने हिंदी को एज आ नेशनल लैंग्वेज के तौर पर अपनाना है. हत्ता कि ये कभी भी मतलब अगर असूली तौर पर देखा जाए तो यह मौकफ ठीक था. मौकफ यह बिल्कुल ठीक था. अब यह बात कभी भी आप लोगों से पहले किसी शख्स ने नहीं की होगी कि ये किस तरह से मुमकिन है कि हिंदुओं का ये मौका ठीक था कि हिंदी जुबान को मतलब जो है वो बनारस के अंदर मतलब जो है वो एज अ लैंग्वेज सूबे की जुबान सरकारी जुबान का दर्जा दिया जाए. तो अगर आप उस दौर की और आज की भी बनारस की आबादी को देख लें तो हिंदू जो है वो वहां पर उस दौर में भी अक्सरियत में थे और आज भी. जिस तरह से हमारे लिए काबा और मदीना मुकद्दस है ऐसे ही जो बनारस है वो हिंदुओं के लिए मुकद्दस है. सो वहां पर उनकी बहुत ज्यादा अक्सरियत थी. लेकिन इस अक्सरियत ने सॉरी इस डिमांड ने एक तरह से ये बात क्लियर कर दी कि इनके दरमियान मजीद कॉन्फ्लिक्ट पैदा होंगी. ये जो हिंदू जो हिंदी लैंग्वेज की जो आज कंट्रोवर्सी पैदा हुई है 1867 में यहां पर ये कंट्रोवर्सी मजीद बढ़ेगी. और उसी वक्त आपने आपके एक दोस्त थे जो गवर्नर थे मिस्टर शेक्सपियर आपने उस वक्त ये कहा था कि जब ये आज इन दोनों के दरमियान जुबान के तनाजे के ऊपर ये जो मतलब जो है ये जो खलीज बड़ी है ये खलीज पैदा हुई है मैं ये देख रहा हूं कि आने वाले सालों में ये खलीज बहुत ही ज्यादा बढ़ेगी. ये खलीज कम नहीं होगी और इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस जो है वो नजर आएंगे.
बहरहाल ये सिर्फ एक इवेंट था और उस वक्त आपको ये लगता था कि ये जो दोनों कौमें हैं ये एक दूसरे से सेपरेट होंगी। लेकिन यहां पर उतना ज्यादा क्लियर नहीं है जितना ज्यादा क्लियर 1882 में सैयद अहमद खान साहब जो हैं वो टू नेशन थीरी का कैटागोरिकली तस्करा करते हैं। और आप ये बात बिल्कुल क्लियरली कहते हैं कि यहां की जो दो कौमें हैं ये इंटायरली मतलब जो है वो हिंदू और मुसलमान जो है वो इंटायरली डिफरेंशिएटेड नजर आते हैं। यही बात है कि आपने न सिर्फ 1970 के बाद मुसलमानों के लिए अलग मतलब जो है वो कोटे की डिमांड की, आपके लिए मतलब मुसलमानों के लिए कहा कि अंग्रेज सरकार जो है वो मुसलमानों के लिए जॉब में अलग कोटा मख्तस करे और कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर अलग कोटा मख्तस करे, बल्कि जो यहां पर लोकल काउंसिल्स थी जो ऑलमोस्ट यहां पर जो 1892 के एक्ट के तहत और 1862 के एक्ट के तहत जो सामने आए, उन लोकल काउंसिल्स में भी मुसलमानों को जो है वो हिस्सा मिलना चाहिए ताकि मुसलमानों के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। सो सर्विसेज में कोटा, ये एक बहुत बड़ी डिमांड जो है वो सैयद अहमद खान साहब की नजर आती है। और आप ओपन कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के काल नहीं थे, वजह कि मुसलमान उस वक्त जो थे वो एजुकेशन में इतने ज्यादा एडवांस नहीं थे और आपको ये लगता था कि चूंकि हिंदू मुसलमानों से ज्यादा पढ़ा लिखा है, अवलीन तो सिर्फ ब्रिटिशर्स ही आ रहे थे आईसीएस का इम्तिहान पास करके, लेकिन अगर यहां पर कोई और आ रहा था मतलब जो है तो वो हिंदू आ रहे थे। तो ऐसी शक्ल में मुसलमान जो है वो कभी भी आला नौकरियों पर फाइज नहीं हो सकेंगे। तो दैट्स व्हाई ही डिमांडेड सम सॉर्ट ऑफ कोटा फ्रॉम गवर्नमेंट ताकि मुसलमानों के लिए अलहदा से नशिस्तें जो है वो मख्तस हो जाए, सिर्फ उनके ऊपर मुसलमान उम्मीदवार ही मतलब जो है वो जॉब हासिल कर सकें जो इनका कोटा। इस बात को मतलब जो है वो कई जगहों के ऊपर एतराज की निगाह से देखा जाता है और खास तौर पर जो हिंदू थे वो भी समझते थे कि हम एक कौम हैं और ये जो एतराज है कि जनाब एक कोटा बना दिया जाए इससे बाकी लोगों की हक तलफी हो। लेकिन ये एक बड़ा बहुत बड़ा मुतालबा था जो सैयद अहमद खान साहब के प्लेटफॉर्म से सामने आया, अलीगढ़ मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से सामने आया। उर्दू हिंदू कंट्रोवर्सी का तस्करा जो है वो मैं आपको कर चुका हूँ। 1867 में शुरू होने वाला ये जो तनाज़ा था इसने भी बुनियादी तौर पर मतलब जो है वो पोल अपार्ट किया, चीज़ें जो हैं वो मतलब जो है वो डिसंगेज करने की कोशिश की जिससे कम्युनिटी जो है वो आपस में पोल अपार्ट हुई। इसके बाद आपकी मतलब पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में देखा जाए तो ये मैं पहले आपके साथ बात कर चुका हूँ कि सैयद अहमद खान साहब को ये क्रेडिट जाता है एंड वेरली ही ओव्स दिस क्रेडिट कि आपने उस वक्त मुसलमानों के लिए मतलब जो है वो उर्दू डिफेंस एसोसिएशन बनाया ताकि उर्दू जुबान का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। सैयद अहमद खान साहब ने उस वक्त जो है वो लोगों को और खासतौर पर जो अपने इर्द गिर्द के जो मुसलमान थे उनको रोका कि आपने नेशनल कांग्रेस में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर हिस्सा नहीं लेना, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में एओ ह्यूम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने बनाई और इसका मकसद ये था कि यहाँ पर मतलब जो है असल में ये इस पार्टी बनाने का पर्पस क्या था, अंग्रेज ने खुद ये पार्टी बनाई और बनवाने का और वायसराय की इंटरेस्ट से ये पार्टी बनी और बनाने का असल पर्पस ये था ताकि लोगों के पास एक मतलब क्या वो सेफ्टी वॉल्व मिल सके, जिस तरह से प्रेशर कुकर के ऊपर एक सेफ्टी वॉल्व होता है और आप उसी वॉल्व को जो ही हटाते हैं तो उसमें से सारी गैस जो है वो निकल जाती है, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके एक सियासी जमात की शक्ल में जिससे ये लोग जो हैं वो अपने मुतालबात जायज मुतालबात जो हैं वो पेश कर सकें, जिससे ये कह सकें कि जनाब ये वो सूरत आला है जिसके तहत हम लोग जो हैं जो है वो अंग्रेज से ये मुतालबात करते हैं। बहरहाल ये एक और ओपिनियन आपके हवाले से ये थी वो के सारे मुसलमानों ने इस बात को नहीं माना, बहुत से लोग जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए।
और उसमें एक बहुत बड़ी मतलब मुस्लिम तंजीम जो देवबंद के लोग थे, दारुल उलूम देवबंद के लोग, जमीयत उलमाए हिंद, उनमें से अक्सरियती लोगों ने कांग्रेस के अंदर शमूलियत अख्तियार की। और जबकि आपने कहा कि वो पॉलिटिक्स से अलग रहे, इसमें से एक कल जो मेरे आपके साथ पहले सेशन हुआ उसमें भी मैंने आपके साथ ये बात की कि किस तरह से मतलब जो है वो इनका ये ख्याल था कि मुसलमानों को या लोगों को अंग्रेज के खिलाफ पार्टी नहीं बनना चाहिए। आप ये कहते थे कि अंग्रेज के साथ हमें कमिटमेंट ही दिखानी चाहिए। और फिर उसके बाद आपने मतलब जो इसी वजह से आपको एजेंट ऑफ द ब्रिटिशर्स के तौर पर जो है वो जाना जाता है या आपको एंटाइटल किया जाता है। फिर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आपने जो है वो कांग्रेस में जाने से तो मना किया, लेकिन लोकल काउंसिल्स के अंदर मुसलमानों की सीट्स के लिए जो है वो आपने जैसे कहा। बहरहाल 1888 में आपको आपकी सर्विसेज की वजह से आपको एक अंग्रेज सरकार ने टाइटल दिया जिसको हम जो है वो कहते हैं KCSI। उस टाइटल का नाम मैं आपके साथ शेयर किए देता हूं। द टाइटल इज KCSI। ये टाइटल जो है वो उन लोगों को दिया जाता है जो किसी भी शोबे के अंदर अहम तरीन सर्विसेज सर अंजाम देते हैं, और अंग्रेज सरकार जो थी वो उस वक्त ये टाइटल नाइट कमांडर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया, ये आपको ये टाइटल 1888 में मिला। और ये टाइटल क्यों दिया गया, इस वजह से कि आपने ये मतलब यही टाइटल जो है वो डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल को सर का खिताब मिला, यही टाइटल जो है वो मोहम्मद शफी जो मुस्लिम लीग शफी ग्रुप के जो सरबराह थे उनको मिला। तो ये KCSI का टाइटल नाइट कमांडर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया। असल में ये नाइट कौन था, ये पुराने दौर के अंदर जो फौज के अंदर बहुत अच्छी सर्विसेज परफॉर्म करता उसको नाइटहुड का खिताब दिया जाता, यानी कि ये अपनी कौम के साथ आज का उस दौर का नाइट जो था वो आज का कह लें कि आपका कर्नल रैंक का ऑफिसर के जो बैटल फील्ड के अंदर लड़ता है। लेकिन बाद में ये जो नाइट का टाइटल है ये सिर्फ और सिर्फ महदूद नहीं रहा फौजियों तक, बल्कि ये सोशल सर्विसेज परफॉर्म करने वाले लोगों को भी ये नाइट के टाइटल्स जो हैं वो दिए गए। और असल पर्पस यही था ताकि इन लोगों को इनकरेज किया जा सके कि आपने जो सोशल सर्विसेज परफॉर्म की हैं वो बहुत जो है वो इनवैल्यूएबल सर्विसेज हैं और उनको हम किसी शक्ल में इग्नोर नहीं कर सकते, बल्कि हम उनको अपहेल करते हैं। सो यहाँ जो इन तमाम सर्विसेज का, इन तमाम टाइटल का जो पर्पस है वो बहुत ही नुमाया हमें नजर आता है कि सिर्फ और सिर्फ बूस्ट करना था मोमेंटम। लेकिन इसमें जो क्रिटिक्स हैं वो एक नुक्ता नजर ये भी हमें देते हैं कि असल में इस टाइटल का जो असल पर्पस था वो अंग्रेज की सर्विसेज, अंग्रेज को सर्विसेज देने की वजह से आपको ये टाइटल दिया गया था। लेकिन बहरहाल ये आपकी सर्विसेज हैं। मौलवी अब्दुल हक जो है वो आपके इस रोल को अप्रिशिएट कुछ इन अल्फाज में करते हैं, द फर्स्ट स्टोन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान वॉज लेड डाउन बाय दिस ओल्ड मैन। इस पूरे शख्स ने पाकिस्तान की, इसमें कोई शक नहीं, इस बात में मैं बिल्कुल हक बजा रहा हूँ कि अगर अलीगढ़ की मूवमेंट ना होती, अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ना होती तो शायद पाकिस्तान और पाकिस्तान के लिए जो लीगल जद्दोजहद करने वाले लोग थे वो भी ना होते। ये मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, चूंकि मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के जो तलबा थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए लोगों के पास ये घर घर गए और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की कि आप 1945-46 के इंतबात में मुस्लिम लीग को वोट दें, ये इसी इदारे से पड़े हुए लोग थे। अलीगढ़ से पड़े हुए लोगों ने हिंदुस्तान के हिंदुस्तान उस वक्त बरिश्की पाको हिंद के तूलो अर्ज में मतलब कई ऐसे इदारे बनाए जिनका तस्करा मैं आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ करूंगा, जिसका फायदा जो था वो पूरी कौम को हुआ, जिसका फायदा जो था वो जिससे मुसलमानों के अंदर अपने आप को अपलिफ्ट करने की मतलब जो है वो एक तरह से अपने मोमेंटम पकड़ा। इसमें कुछ और चार्जेस जो सैयद अहमद खान साहब के ऊपर लगाए जाते हैं उसमें से एक ये भी है कि आप हवास की तलीम के कायल थे, आम लोगों की तलीम के कायल नहीं थे। आप समझते थे कि तलीम जो है वो और इसी खास लोगों के तक जो है वो होनी चाहिए,
मतलब जो जो खास तौर पर जो कह सकते हैं कि जो अलीट क्लास है, चूंकि वो एजुकेशन को जिस तरह से वो मतलब प्रोपोगेट कर सकते हैं, शायद एक आम पढ़ा लिखा शख्स जो है वो उस तरह से इसको नहीं जो है वो बात कर सकता। दूसरे नंबर पर आपने जो है वो पॉलिटिकल सफरेज के हवाले से आप इस बात के कायल थे कि आम शख्स को वोट का हक नहीं होना चाहिए, और वैसे भी अंग्रेज सरकार जो है वो वोट का हक आम शख्स को नहीं दे रही थी, बल्कि जो इसका पर्पस था वो बुनियादी तौर पर ये था कि मतलब जो है वो सिर्फ लैंडलॉर्ड और फ्यूडलिस्टिक लॉर्ड्स को जो है वो वोट का हक दिया जा सके। तो इस तरह से ये वो सर्विसेज थी जो सैयद अहमद खान साहब ने रेंडर की, और इनके ऊपर जो है वो मतलब जो है वो आपको लॉर्ड किया जाता है, आपको कहा जाता है कि नो डाउट आपकी इन्हीं सर्विसेज की बदौलत जो है वो उस वक्त के मुसलमानों को मतलब जो है वो बेतहाशा फायदा हुआ। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने लगा हूँ, जो क्वेश्चन आंसर्स का सेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शुरू करने लगा हूँ। अब आपके जहां जहां जो जो सवाल हैं वो आप पूछते जाए, मैं कोशिश करूंगा कि उनके जवाब जो है वो मैं देता जाऊंगा। आपके माइक मैं आपकी डिस्पोजल पे छोड़ रहा हूँ, अब आप जो है वो खुद आपने एनालिसिस करना है कि सैयद अहमद खान साहब कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। जी सवाल जिसका माइक जो है वो जिसने ओपन करना है वो प्लीज अपना माइक ओपन करके सवाल कर सकता है। जी सर, सर सैयद अहमद खान की जो लिटरेसी सर्विसेज है उनके अंदर जो पॉइंट नंबर 6 है ट्रांसलेशन वर्क्स, सर उसमें आपने एक के बारे में बताया था अहकामे, वो कंप्लीट बता दे क्या नाम था उस बुक का। अहकामे अहले किताब, ये ट्रांसलेशन वर्क नहीं, ये आपने अलग से एक मतलब जो है वो एक पंपलेट लिखा, एक बुक टाइप छोटी सी बुक लिखी जिसका पर्पस ये था कि मुसलमानों के इस बात पे कायल किया जा सके कि अगर आपका दिल मानता है तो आप ईसाइयों के साथ बैठ के खाना खा सकते। जी नेक्स्ट, अब अगर हम कंक्लूजन की तरफ देखें, अगर हम मतलब इन तमाम बातों को जो मैंने आप लोगों के साथ की कि आपको ब्रिटिश एजेंट भी कहा जाता है, आपको मतलब जो है वो ये तमाम चीजें आपके हवाले से कही जाती, अगर आप सिर्फ इन तमाम बातों को ही सामने रख लें तो ये अगर उनकी मजहबी तालीमात को सामने रख लें तो नो डाउट उस पे आप 10 एतराजात उठा सकते हैं, 100 एतराजात उठा सकते हैं, बट द थिंग इज कि आपकी जो पॉलिटिकल सर्विसेज हैं वो आपकी पॉलिटिकल सर्विसेज से कभी भी इनकार मुमकिन नहीं, आपकी जो एजुकेशनल सर्विसेज हैं उससे कभी भी इनकार मुमकिन नहीं है। ये किसी भी शख्स की एक अपनी जाती मतलब राय हो सकती है किसी भी दीन के हवाले से, किसी भी मजहब के हवाले से, कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना। आप नो डाउट जिस तरह से सवाल हुआ पीछे कि सर आप मौजजात के भी कायल नहीं थे, तो सर्टनली ही वॉज नॉट, आपने सबसे पहले मतलब आप डिस्कार्ड किया था कि वो जो मेराज शरीफ का वाकया है ये मतलब हकीकत नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, ये चीजें हमें नजर आती हैं, लेकिन हमने ये इसके साथ साथ इन पैरामीटर्स को भी देखना है कि आप क्या हम सिर्फ इन मजहबी पैरामीटर्स के ऊपर क्या हम एक शख्स की खिदमत को क्या हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो अगर आप हकीकी मायनों में देखें तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि किसी शख्स के जस्ट रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को आप सामने रख के जो है वो आप उसकी मजहबी सर्विसेज को आप डिस्कार्ड कर दो। ये मैंने आपको मैं बार बार ये मैं बात कर रहा हूँ कि ये उनका एक पर्सनल नुक्ता नजर तो होगा लेकिन हम उसको कतई तौर पर जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन जो आपने खिदमात सर अंजाम दी वो खिदमात जो हैं वो अपने आप में बहुत ही बड़ी खिदमात जो है वो मानी जाती है, और आपको एक जो है वो प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन जो गांधी ने आपको जो टाइटल दिया था, आई मस्ट से कि वो एक बहुत ही राइट एंड अप्रोप्रिएट टाइटल के तौर पर जो है वो माना और समझा जाता है। सो ये वो कुछ ऐसी चीजें, इन स्पाइट ऑफ दैट इफ यू फाइंड सम सॉर्ट ऑफ ट्रबल यू कैन इवन आस्क टू मी। जी जी कीरीस,
सवाल सही टू नेशन थ्योरी के जैसे सर हमने कहा है कि इन्होंने इसको फाउंड किया तो सर हम तो सर जब हमने इसका एवोल्यूशन पढ़ा था तो हम तो सर ये देखते हैं कि मैं नहीं समझ पाया टू नेशन थ्योरी के हवाले से क्या किया मुइजुद्दीन के दौर में ये स्टार्ट हाँ ये मैंने बात बहुत पहले कही से मतलब इन्होंने उस दौर में पायनियर हैं आप जो प्रीवियस लेक्चर की आप बात करते हैं तो वहां पर बिल्कुल मैंने ये बात कही थी कि मुइजुद्दीन जो गौरी रूलर था वो सुल्तान ऑफ गौर जिसको कहते हैं जो ताजिकिस्तान और ये मतलब आज के हिंदुस्तान अफगानिस्तान का रूलर नजर आता है बांग्लादेश वगैरह के इलाके का उसने ये कहा था कि इस रहिंद तक का इलाका मुझे दे दो बाकी तुम रख लो जहां तक जो है वो मुसलमानों की हुकूमत ही होगी दूसरी तरफ जो है वो हिंदुओं की हुकूमत होगी तो नो डाउट इसका पहला तस्करा हमें वहां से नजर आता है ये बिल्कुल दुरुस्त बात जी तो फिर सर हम ये क्यों कहते हैं कि ये मतलब टू नेशन थ्योरी के पायनियर्स थे इन टू नेशन थ्योरी जो एमसीक्यू आएगा तो हम ये करेंगे इस बात को डिनाय किया था कि सर सैयद को ओरिजिनेटर ऑफ टू नेशन थ्योरी माना जाएगा ही वाज नॉट एब्सोल्युटली ही वाज नॉट इनसे पहले भी लोग टू नेशन तो सर अगर हम एमसीक्यूज जी अगर हमें सर एमसीक्यूज वगैरह आता है क्योंकि सर हम बुक्स में भी पढ़ते आए हैं ये बात सर अगर हम एमसीक्यूज वगैरह आता है कंट्रोवर्शियल एमसीक्यूज आने के बहुत कम इम्कान हैं ऐसा नहीं होता डोंट वरी एट ऑल यस सर नेक्स्ट थैंक यू सर नेक्स्ट जी आमना सर मुझे ये पूछ रहा था आपने जो लॉयल मोहम्मदंस ऑफ इंडिया जो सर सैयद अहमद ने बुक राइट की थी उसमें जो ब्रिटिश को अवेयर करना था मुस्लिम सर्विसेज के बारे में तो वो क्या सर्विस अवेयर करवाना था कि ये जो आप ये समझते हैं कि मुसलमान आपके बहुत बड़े दुश्मन हैं ये बात गलत है कि मुसलमान आपके दुश्मन नहीं है बल्कि मुसलमानों ने आपके लिए मतलब जो है वो आपको यहाँ पर आबाद करने में यहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा मतलब कुर्बानियां दी थी तो ये अवेयर कर रहा है ठीक है जी अच्छा यहाँ पे एक सवाल आया हुआ सर जो तफसीर सर सैयद ने लिखी उसका नाम क्या है तो नेचुरली तफसीरुल कुरान है वो जो आपने लिखी थी लेकिन उसके अंदर जो मैंने बातें की अगर आप उन बातों को की तरफ जाएं तो नेचुरली एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क नजर आता है लेकिन अगर आप मतलब पाकिस्तान और पाकिस्तान की सर्विसेज की तरफ पाकिस्तान के लिए या खासतौर पर मुसलमानों के लिए मत से कि ये बात कहीं पर नजर नहीं आती कि मैंने ये बात बहुत पहले कर दी आप लोगों के साथ कि सैयद अहमद खान साहब ने कभी पाकिस्तान का मुतालबा नहीं किया सैयद अहमद खान साहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि आप मुसलमानों के लिए एक अलग सियासी जमात होनी चाहिए लेकिन ये बहरहाल क्रेडिट फिर आपको जाएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोगों ने पाकिस्तान का मुतालबा किया फिर ये क्रेडिट आपको जाएगा कि आपकी मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से मुस्लिम लीग का क्या अमल में आया तो ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है लेकिन अगर दूसरे एंड पर देखा जाए तो मतलब आपके जो क्रिटिक्स हैं वो इस बात के ऊपर आपको इस बात को उछाला जाता है कि जी देखें आप तो ब्रिटिशर्स के बहुत ज्यादा मतलब फॉलोअर थे आप ब्रिटिशर्स के तो नो डाउट इट वाज द नीड ऑफ द टाइम एट दैट टाइम कि ये उस वक्त की जरूरत थी उस वक्त ये सब कुछ दरकार था अगर ये ना होता तो शायद अंग्रेजों का जो अताब था जो मुसलमानों के ऊपर पड़ रहा था या लोकल कम्युनिटी के ऊपर पड़ रहा था जो मुसलमान जिस बात का शिकार होते वो शायद और बहुत ज्यादा हो जाता जी शाबाश नेक्स्ट क्वेश्चंस एनी क्वेश्चन तो व्हाट डू यू थिंक इज ही हीरो या फिर क्या हम उनको मजहब की बुनियाद पर जज करेंगे या ओवरऑल सर्विसेज की बुनियाद पर क्या ख्याल है आपका सर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक कॉल है मैं तो सर उसके बेसिस पे देख रहा हूँ उनका कॉल है कि ये ना देखो कि कह कौन रहा है ये देखो कि कह क्या रहा है यानी जो उन्होंने खिदमात हैं हमें सर उनके ऊपर फोकस करना चाहिए
बाकी जो उनके अकायद हैं वो अल्लाह ताला और उनका मामला। I agree with आवाज़ से कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि बजाय इसके कि हम उन फरोई चीजों के ऊपर क्रिटिसिज्म करें कि जो आपने कही, हमें उन चीजों को अपहेल करना चाहिए कि हमें जो है वो तितली जैसा बनना चाहिए जो फूल के ऊपर रस फूल के ऊपर जाके बैठती है, बजाय इसके कि हम एक मक्खी बन जाएं कि जो गंदी जगह पे जाके बैठती है। आपको काफर कहा गया आपके उन इतकादात की वजह से, लेकिन अगर हम उन तमाम चीजों को एक सेट असाइड कर दें तो नेचुरली आप एक मुस्लिम कौम के बहुत बड़े हीरो नजर आते हैं। आपके हवाले से ये कहा जाता है he was literally the greatest hero of the Muslim nation. और मुसलमानों के हवाले से जो आपकी सर्विसेज हैं और खास तौर पर मुसलमानों के लिए जो स्ट्रगल है वो उसको किसी भी शक्ल में जो है वो डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता। जी ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। विल स्टार्ट फ्रॉम हियर ऑन इन नेक्स्ट लेक्चर।